हेलो चिल्ड्रन, पिछले वीडियो में मैंने हाफ स्टोरी पढ़ा दी थी, अब आगे की मैं पढ़ाती हूँ। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, द मोर आई थॉट अबाउट व्हाट आई हैड सीन, द मोर अफेयर आई बिकम। यानी उस रात मैं सो भी नहीं पाया था, मैं बहुत डरा हुआ था, और जब भी मैं जितना सोचता उतना डर जाता था। आई थॉट इट कुड बी वन मोन द सर्विस ऑफ द मेनलैंड हु हैड वन रेड आउट टू द सी इन ए स्मॉल बोट। यानी उन्हें लगा कि कोई घुमंत इंसान होगा जो एक छोटी सी बोट पे घूमने के लिए आया होगा। लकली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, बट वॉज इफ ही हैड सीन माई बोट, इफ ही हैड सीन द बोट ऑफ वुड हैव रियलाइज दैट समवन लाइव्ड इन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विथ अदर टू किल एंड इट मी। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो वो मुझे नहीं देखा, कहीं वो मुझे देख लेता तो उसे पता लग जाता कि मैं आर शहर के टापू पे रहता हूँ, और वो फिर मुझे आ जाता मारने के लिए और खाने के लिए। एंड सो आई लिव फेयरफुल फॉर मैनी डेज एनी प्रेयर फॉर प्रोटेक्शन। यानी मैं ये सोचकर बहुत डरता और भगवान से प्रार्थना करता कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। In doing so, I was much comforted and began going out in investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. और मैं फिर कुछ दिनों तक डरता, डरते डरते कुछ ठीक होने लगा, और ठीक होने के बाद मैं फिर उसी बोट के पास चला गया छानबीन करने के लिए कि आखिर ये फुटप्रिंट आया कहाँ से और ये है क्या। However, as I went about for two or three days and saw nothing, I became it little bolder. I decided to go down to the shore again and examine and the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. यानी वो पैरों के चिन्ह जो थे, मैं उससे अपने पैरों को मिला के देखूंगा। उन्होंने तय किया कि आखिर वो मुझसे अगर मिलता है तो वो हमी लोग के जैसा आम इंसान होगा। As I come closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. यानी जितना मैं उसके बाद जब मैं वो footprint देखा तो फिर नापा तो फिर मेरे footprint से वो बहुत बड़ा था, और ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि इतना बड़ा कोई footprint आखिर हो किसका सकता है। I seemed larger than my own. My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. और मेरा डर फिर से वापस आ गया और मैं अपने घर चला गया, और वहाँ पे रहकर कुछ दिनों तक जब मैं ठीक हो गया तो मुझे लगा कि चलो भाई मेरे साथ कोई और है यहाँ पे मेरे जैसा आम इंसान, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। इसके राइटर डैनियल डिफोर हैं।